हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे सम इम्पोर्टेंट यूजेस ऑफ मेकिंग सेंटेंस। ये इतने इम्पोर्टेंट सेंटेंस हैं कि आप जब सीख लोगे तो आपको कभी फील होगा कि हाँ, ये हमने सीखे थे, बहुत इम्पोर्टेंट रहे, हमने उससे बहुत सीख लिए। अदरवाइज इस प्रकार के समाज में आपको बहुत से लोग मिल जाएंगे, कुछ काफी एज वाले होते हैं और उनको दो चार सेंटेंस रटे होते हैं, वही बोलते हैं या पूछ लेना मार साहब से, तो बस मार साहब की बात आ जाती है यहाँ पर। तो भाई, मैं नहीं चाहता कि मार साहब तक बात आए, आप खुद ही सॉल्व कर लो उस चीज को, आप खुद ही बता दें, मार साहब तक बात ना आए। तो मैं कहता हूं ये सेंटेंस आप सीख लें। तो आप इस प्रकार की बात करते हैं, पहला सेंटेंस हम देखते हैं, जब कोई वर्ब दो बार रिपीट हो, मतलब जब कोई वर्ब दो बार रिपीट हो, मतलब वाई प्लस वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हम उसे बोलते हैं कि जिसको हम छू सकते हैं और देख सकते हैं। जैसे कि हमने बोल दिया वह दौड़ते दौड़ते आई, सी कैम वाइल रनिंग। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस बना सकते हैं। एक सेंटेंस और देखते हैं, मैंने हंसते हंसते उससे पूछा, आई आस्क्ड हिम वाइल लाफिंग। इस प्रकार से ये सेंटेंस आप बहुत से बना सकते हो। ये सेंटेंस तो बना लेते हैं लोग, लेकिन जब इन सेंटेंस की बात करते हैं कि ये सेंटेंस अधिकांशता मुझसे तो एक दो बार पूछा है, मैं खुद फंस गया हूं जब मुझे नहीं आता था और मुझे लगा कि यार ये सेंटेंस सीखना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि जब कोई वर्ब हिंदी सेंटेंस में दो बार से ज्यादा रिपीट हो, तब बाय एंड बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे कि सेंटेंस है हमारा, लोटा लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गया। शायद आपने कई बार सुना हो और आपसे ही पूछा गया हो, कई लोग फंसे हुए, कई लोगों ने बता दिया होगा जिन लोगों को आता होगा, लेकिन मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं जिन लोगों को नहीं आता है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों को ये सेंटेंस बने, जैसे कि इसमें यूज करते हैं बाय एंड बाय यूज करते हैं, पहले सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे बाय एंड बाय द बाउल हैज रोल्ड आउट। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस बनता है। एक सेंटेंस और देखते हैं, जूता घिसते घिसते घिस गया, तो बाय एंड बाय द शू हैज वॉर्न आउट। तो इस प्रकार से आपको इसकी पूरी प्रैक्टिस करनी है। यदि कोई सेंटेंस पूछता है इस प्रकार के, तो आप बिल्कुल भी हेजिटेट ना हो, बेहिचक बोल दें। और आपको इस प्रकार से भी नॉलेज गेन करनी है कि आपको किसी इंसान को फंसाना नहीं है, आपको बस ये देखना है कि आप फंस ना पाओ उनसे। आपको कभी आपको गिल्ट फील ना हो कि हमने इतनी इंग्लिश सीखी, बीए कर लिया, एमए कर लिया, या सपोज दैट बहुत कॉम्पिटिशन किया, इवन देन वी डोंट नो अबाउट दिस थिंग। तो हमें ये देखना है, इस प्रकार से हम सेंटेंस कर सकते हैं। और अभी आपको इसमें कोई डाउट हो तो कुछ भी चीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। एक सेंटेंस और देखा होगा आपने कि बहुत बुजुर्ग लोग पूछ लेते हैं, या कई लोग गया गया गया, कि गया 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 क्या है। तो हम बात करते हैं, जो पहला लिखा गया ये हमारा नेम है, कह सकते सब्जेक्ट। जो ये गया है ये प्लेस का नाम है, कह सकते हैं ऑब्जेक्ट, शायद ये बिहार में है। और ये गया जो है अपनी है वर्ब। तो अब आप जानते हैं, जब कोई सेंटेंस बनाते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ये इसका सिंटैक्स बनता है सब्जेक्ट वर्ब, और इसे सिंपल पास्ट का है तो सेकंड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल पास्ट मतलब होता है किंग ऑफ टेंस, सिंपल पास्ट किंग ऑफ टेंस है। तो इसका सेंटेंस बनेगा, गया नाम है जी ए वाई ए, यहां पर कैपिटल लिखना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लेना। और वो की सेकंड फॉर्म रहती है वेंट, वेंट टू, क्योंकि वेंट इज गोया, कम के साथ हम टू लगाते हैं, तो वेंट टू। और गया, गया कोई प्लेस का नाम है, तो ये आपका ये हो जाएगा। इस प्रकार से सेंटेंस बनते हैं। और मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, यदि नहीं आया है तो आप फिर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको वो भी चीज बता दूंगा। और मैं ये बोलूंगा, ये डायल जरूर मार देना कि भाई हमारे मास्टर ने पढ़ाया है ये चीजें, हमें से ऑलरेडी बनती हैं। आपको बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं होना, बिल्कुल ही वो नहीं होना कि नहीं बनता है, बिल्कुल बनेगा। बस आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें, आपको मैं हर बहुत छोटे सेंटेंस बताऊंगा या बड़े बड़े सेंटेंस बताऊंगा जो बहुत डाउटफुल रहते हैं, या बहुत लगता है कि शायद मुझे आता होता, शायद वाले सब मैं आपको आपकी जिंदगी से पूरी तरीके से हटा दूंगा, मतलब जितना हो सकता है, जितनी मेरी संभावना होगी, क्षमताएं होगी, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा अच्छी तरीके से। तो आप इसको देखिएगा, और आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और
आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।